दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं SOPs के बारे में कि जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों उन्हें यूज़ किया जाता है, क्या उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, क्या क्या डिटेल्स उसमें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों की बात हम करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, और साथ ही में इसी वीडियो में आगे चल के SOP के फॉर्मेट को भी फिजिकली देखेंगे कि वो जो फॉर्मेट होता है किस तरीके से होता है, कौन कौन सी जानकारी उसमें दी गई होती है। ठीक है, तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखना, आपको हेल्प करेगी ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में, जहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है SOPs के बारे में कि एडवांटेज क्या होती हैं, क्या उसकी ज़रूरत होती है, और जो फॉर्मेट होता है उसका उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आती हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, और आप साथ ही में मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए SOPs के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, SOPs क्या होती हैं? तो जैसे कि उसकी फुल फॉर्म हमारी होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो इसी का जो नाम है वो हमें बता रहा है कि ये एक तरीके का प्रोसीजर होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी काम को किस तरीके से करना है। ठीक है, प्रोसीजर जैसे कि एक कार्यप्रणाली होती है जिसमें स्टेप्स आते हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को करना है। ठीक है, यही चीज़ हमें SOPs बताती हैं। जैसे कि मैं आजकल वीडियोज़ बना रहा हूँ प्रोसीजर्स के बारे में, आपने देखे होंगे इस चैनल पर, अगर नहीं देखे तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, काफ़ी यूजफुल वीडियोज़ हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उन्हीं प्रोसीजर्स की तरह ये SOPs हैं हमारी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। अगर आपने शॉप फ्लोर पे देखा हो तो बहुत सारी हमारी SOPs लगी होती हैं जिनमें कैसे कैसे काम करना है मशीन पे, वो दिखा रखा होता है, और काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं साथ ही में कि कौन कौन से मशीन के पैरामीटर्स हमारे वहाँ पे कंट्रोल हो रहे हैं और कौन कौन से क्वालिटी के पैरामीटर्स कंट्रोल हो रहे हैं, ये सारी जानकारी हमारी SOPs में दे रखी होती हैं। तो कई जगह आपने SOPs नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कई जगह आपने OPS सुना होगा, और कई जगह आपने सुना होगा WI, सिंपली वर्क इंस्ट्रक्शंस हमारी हो जाती हैं, कई जगह आपने PCS सुना होगा, प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड, या फिर कई जगह SSOP भी सुना होगा, सेफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब कि ये जो प्रोसीजर बनाया गया है ये एक सेफ तरीका है इस काम को करने का, और उसी को सभी को फॉलो करना चाहिए। अब SOPs क्यों बनाई जाती हैं, क्या ज़रूरत हमें उनकी पड़ती है, उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि SOPs में स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा होता है हमें कि किस तरीके से उस स्टेशन पे काम को परफॉर्म करना है, उस काम को किस तरीके से करना है, तो इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ती है हमें कि कोई भी हमारा काम करने का स्टेशन हो, कोई भी हमारा वर्क प्लेस हो, चाहे हम शॉप फ्लोर पे हम किसी मशीन की बात करें, या फिर लैब में जाके किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, या फिर किसी भी इक्विपमेंट की बात करें, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके जो ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ हमें SOPs बताती हैं। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड तरीका हम बना देते हैं, एक सामान्य तरीका बना देते हैं कि सभी को इसी तरीके से काम करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर वहाँ पे SOPs ना हो तो बहुत तरह का लोग होते हैं, कोई उस काम को किसी तरीके से करेगा, कोई किसी और तरीके से करेगा। ठीक है, तो हो सकता है किसी का वे एफिशिएंट हो करने का, किसी का थोड़ा कम एफिशिएंट हो। ठीक है, तो वो ज़्यादा टाइम ले या फिर कोई कम टाइम ले, है ना, तो इस तरीके से क्या होगा, वहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो उसका ग्राफ एकदम बढ़ेगा नहीं। ठीक है, वहाँ पे लॉसेस भी हमारे होंगे, तो एक तरीके से वहाँ पे कोई भी सिस्टम हमारा ऐसा मेंटेन नहीं होगा, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं बन पाएगा कि इस तरीके से आपको काम करना है। तो सभी को एक तरीका सिखाया जाता है काम करने का उन SOPs के थ्रू कि आपको इन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, इसी के हिसाब से आपको काम करना है। उससे क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्शन के रिजल्ट्स हैं वो हमें कंसिस्टेंट मिलेंगे। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, जैसा एक बंदा काम कर रहा है वहाँ पे वैसे ही और लोग भी काम करेंगे उसी चीज़ को। ठीक है, अगर हम उस SOPs को फॉलो करते हैं। तो अब बात करते हैं SOPs कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। अब चाहे हमारी शॉप फ्लोर हो जहाँ पे VMC, CNC या फिर कोई और मशीन्स लगी हों, वहाँ पे हमने SOPs देखी हैं। ठीक है, या फिर आपने लैब्स देखे होंगे, तो लैब्स में हम कोई टेस्ट कर रहे हैं, अपना कोई माइक्रोस्ट्रक्चर देख रहे हैं, या फिर कोई कार्बन ऑपरेटर है, या फिर स्पेक्ट्रो मशीन है, तो वहाँ पे हम केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है, कोई हार्डनेस टेस्टर है तो उसे यूज़ करने का क्या तरीका है, सभी चीज़ के लिए हमने SOPs बना रखी होती हैं, ताकि कोई नया बंदा भी अगर आए तो उन SOPs को पढ़ के अच्छे से समझ ले।
पहले कोई नया ऑपरेटर भी अगर मशीन पे जाए तो अगर उसे ऑपरेशंस याद नहीं हो रहे हैं, एक बार समझाने पे उसे पता नहीं लग रहा है, तो SOPs उसके सामने हैं, उसी की भाषा में लिखी होती हैं वो, ठीक है, उसी की लैंग्वेज में हो, लोकल लैंग्वेज में हो SOPs, तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो वो उन्हें अच्छे से पढ़ सकता है, समझ सकता है और उस काम को उसी एफिशिएंट वे में कर सकता है जैसे कि और सारे वर्कर्स कर रहे हैं, और सारे ऑपरेटर्स कर रहे हैं। तो जो हमारी SOPs होती हैं वो सिर्फ हमारे प्रोडक्शन लाइंस में या फिर हमारी लेबोरेटरीज़ में ही ओनली यूज़ नहीं होती हैं, वो हमारी हर तरह की इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, फूड प्रोसेसिंग हो, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, फाइनेंस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हमारी हर जगह SOPs यूज़ होती हैं और उनके हर एक डिपार्टमेंट में यूज़ होती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, ठीक है, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, चाहे कस्टमर सर्विसेज हो, कुछ भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह एक काम करने का तरीका हमने बना रखा होता है, ठीक है। अगर हमें लीड जनरेशन ही करनी है, अगर सेल्स में हमें लीड जनरेट करनी है, कैसे कस्टमर बनाने हैं, कैसे उनका फॉलोअप करना है, ठीक है, उस चीज़ का भी हमने प्रोसीजर बना रखा होता है। HR का, रिक्रूटमेंट का भी हमने प्रोसीजर बना रखा होता है, परचेज का भी प्रोसीजर बना रखा होता है, जैसे कि प्रोसीजर्स की वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो हर चीज़ का हमने प्रोसीजर बना रखा होता है, सिर्फ वो मशीन चलाने का ही हमने नहीं बना रखा होता, या फिर सिर्फ लैब में कोई हमें टेस्ट करना है उसका नहीं बना रखा होता। तो हर डिपार्टमेंट में, हर इंडस्ट्रीज़ में, हर फील्ड में हमारी SOPs अप्लाई होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप सभी लोग मेट्रो स्टेशन पर गए होंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक टोकन की वेंडिंग मशीन होती है, ठीक है। तो टोकन निकालने के लिए वहाँ पे वर्क इंस्ट्रक्शन लगी होती है कि किस तरीके से आप टोकन को निकाल सकते हैं। तो उसमें लिखा होता है जैसे कि आप टोकन खरीदने पे क्लिक करें पहले, फिर कहाँ पे जाना है वो स्थान आप चूज़ करें वहाँ पे, फिर उसमें आप नंबर ऑफ़ टिकट्स कितनी चाहिए वो एंटर करें, फिर उसके बाद अपना जो धनराशि है वो उसमें डालें, फिर आपको टोकन्स और चेंजेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसका प्रोसीजर बना हुआ है और उसी तरीके से वो काम आपका होगा, क्योंकि एक तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो सॉफ्टवेयर उसी तरीके से चलेगा। तो वहाँ पे लोगों को टाइम ना लगे, समझने में देरी ना हो, उसके लिए वहाँ पे वर्क इंस्ट्रक्शन लगा रखी है ताकि कोई भी नया बंदा अगर वहाँ पे आ रहा है तो अच्छे से पढ़ के समझ के वो उस काम को परफॉर्म कर सकता है, वहाँ से टोकन निकाल सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे कि हमारी जो शॉप फ्लोर की SOPs होती हैं वो आपने देखी होंगी, तो उसका अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोई CNC या VMC मशीन पे कोई SOP अगर लगी है तो उसमें कैसे लिखा होता है कि आपको आराम से पहले गेट खोलना है, उसके बाद जो आपका फिक्स्चर है वो एयर गन से या फिर कूलेंट गन से साफ़ करना है, उसके बाद पार्ट को आपको साफ़ करके उस फिक्स्चर पे लगाना है, ठीक है। उस फिक्स्चर पे लगाने के बाद अच्छे से आपको क्लैंप करना है, क्लैंप करने के बाद आपको आराम से फिर गेट बंद करना है और साइकिल स्टार्ट बटन को दबा देना है, और जब तक आपकी ऑपरेशंस की लाइट वहाँ पे ब्लिंक कर रही है, मतलब वो मशीन चल रही है, तो इस बीच में आपको गेट नहीं खोलना है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जैसी ग्रीन लाइट वहाँ पे जल जाएगी, सिग्नल आपको मिल जाएगा कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, तो आप गेट को आराम से खोलें और पार्ट को उसमें से निकाल लें और वही जो आपकी कार्यप्रणाली है उसको दोहराएं। तो ऐसा कुछ वर्क इंस्ट्रक्शन वहाँ पे बना रखी होती है, और साथ ही में वहाँ पे प्रोसेस के कौन कौन से पैरामीटर्स वहाँ पे आएंगे, स्पीड क्या होगी, फील्ड क्या होगी, ऐसे पैरामीटर्स वहाँ पे आ सकते हैं, और साथ ही में कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स हमको चेक करने हैं, किस किस इंटरवल में हमको चेक करने हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई ख़राबी होती है, कोई NG पार्ट हमारा बन जाता है तो वहाँ पे रिएक्शन प्लान क्या होगा, हर चीज़ हमारी उस फॉर्मेट में बता रखी होती है। मैं आगे आपको फिजिकली दिखाऊंगा भी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कैसा हमारा फॉर्मेट होता है दिखने में। तो इस तरीके से हमारी SOP सेफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने होते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस बनी होती हैं कि मतलब ये जो काम करने का तरीका है वही सेफेस्ट तरीका है और एफिशिएंट वे है सबसे ज़्यादा, इसी को आप अपनाएंगे तो इफेक्टिवनेस के साथ आप काम कर पाएंगे, कंसिस्टेंटली सभी के सभी वर्कर एक जैसा काम कर पाएंगे और प्रोडक्टिविटी हमारी हाई होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने लिफ्ट्स में ट्रैवल किया होगा, लिफ्ट देखी होंगी हमारी बिल्डिंग्स में, जो लिफ्ट लगी होती हैं तो वहाँ पे भी हमारी वर्क इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है किस तरीके से लिफ्ट का प्रयोग करना है, और वहाँ पे भी रिएक्शन प्लान भी दे रखा होता है, अगर हमारी लिफ्ट ख़राब हो गई तो आपको कैसे कैसे वहाँ पे रिएक्ट करना है, ठीक है, कौन से आपके हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे, कौन सा बजर का बटन दबाना है, कौन सा इमरजेंसी अलार्म बटन आपको दबाना है, तो वो भी वहाँ पे लिखा होता है। तो इस तरीके की SOPs, वर्क इंस्ट्रक्शंस हर जगह यूज़ होती हैं, हर एक फील्ड में हमारी यूज़ होती हैं, चाहे आप कोई फील्ड में चले जाओ, ठीक है। तो SOPs का बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हमको मिलता है, इसी तरीके से बहुत सारी इसकी एडवांटेजेस बन जाती हैं। एक तरीके से जो SOPs होती हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फाउंडेशन का काम करती हैं, ठीक है। अगर हमारी वो नींव मजबूत होगी, ठीक है, हमने हर जगह SOPs इंप्लीमेंट कर रखी होंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें ऑर्गेनाइजेशन को, और जो लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं हमारे बंदे वो उसी तरीके को फॉलो करेंगे। ये जो हमारी SOPs होती हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाती हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं उसके लिए, क्रॉस फंक्शनल टीम्स बैठती हैं, बाहर से कंपनीज कंसल्टेंट्स को हायर करती हैं जो बताते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, कौन सबसे बढ़िया प्रोसीजर बन सकता है इस काम को करने का। तो इसलिए हमें
उस चीज़ को एक स्टैंडर्ड मानना चाहिए, ठीक है, और उसको फॉलो करना चाहिए। तो एसओपीज के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में हैं, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सबसे पहली सीढ़ी मानो जिसमें आप वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, डब्ल्यूआई बनाते हैं, ओपीएस बनाते हैं, ठीक है। ये पहली सीढ़ी होती है हमारे डॉक्यूमेंटेशन की। तो आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए, जो हमारे बिगनर्स और फ्रेशर हैं तो उनको पता होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, तो एसओपीज किस तरीके से बनती हैं, कैसे काम करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और कुछ फॉर्मेट देखते हैं एसओपीज के। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक एसओपी का फॉर्मेट यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो ये फॉर्मेट किस तरीके से बनाया गया है वो हम स्टडी करते हैं। इसमें फॉर्मेट कोई रिजिड नहीं होते हैं एसओपीज के, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज कर लेती है। तो यहाँ पे आप सेंटर में देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम साइड की तरफ चलें तो साइड की तरफ हमारा यहाँ पे लोगो आ सकता है, ठीक है, लोगो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आ जाएगा। और यहाँ पे जिस वर्ड का यूज़ हमने किया है, ऑपरेटिंग प्रोसेस स्टैंडर्ड, मतलब कि ओपीएस यहाँ पे यूज़ किया गया है, इस डॉक्यूमेंट को ओपीएस कहा गया है। इसे हम एसओपी भी कह सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं, और एसएसओपी भी कह सकते हैं, सेफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, प्रोसेस स्टैंडर्ड कह सकते हैं, या फिर पीसीएस मतलब कि प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। और यहाँ पे फिर स्केच ऑफ द पार्ट और एंड मशीन का यहाँ पे आ जाएगा। इस फॉर्मेट में ऐसा दे रखा है कि यहाँ पे हम मशीन के कंट्रोल पैनल की फ़ोटोज़ वगैरह कुछ ऐसा स्केच वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे देखें तो पार्ट का स्केच या उसकी ड्राइंग वगैरह यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें डायमेंशन शो कर रखी हों। और यहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स बता रखे हैं कि पीपीज कौन कौन से हमारे ऑपरेटर को पहनने हैं ये मशीन चलाते वक्त। तो यहाँ पे नायलॉन के ग्लव्स पहनने हैं, कॉटन ग्लव्स पहनने हैं, हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए और एप्रॉन पहनना है। अब इसके बाद थोड़ा मिडल में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन सेक्शन आ गया। तो सेक्शन हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया, पार्ट नंबर आ जाएगा, पार्ट नेम आ जाएगा, प्रोसेस का नेम आ जाएगा, मॉडल अगर कोई है तो वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर हमने दे दिया जैसे यहाँ पे जनरेट करके, एक्स वाई जेड क्यू ए ओ पी एस 03, तो 30 नंबर का ऑपरेशन है तो क्यू ए 03 दे रखा है यहाँ पे, रिवीजन 00 है, और ये डेट है कि 0 रिवीजन के साथ ये डॉक्यूमेंट कब बनाया गया था, कब लागू हुआ था, तब की ये डेट हो गई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टूल फिक्सचर नंबर दे रखा है OP30, तो ऑपरेशन 30 है ये, इसलिए OPS नंबर 30 आ गया था वहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में। अब यहाँ पे जो मेन कंटेंट है इसका, उसकी तरफ चलते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब मेन कंटेंट जो हमारा यहाँ पे वो ये है कि ऑपरेटर के लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है, दिशा निर्देश लिखे गए हैं हिंदी में, और यहाँ पे आप देख सकते हो नोट दिए गए हैं इसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कुछ नोट लिखे गए हैं जिनका ध्यान रखना है। और मेजरिंग मेथड यहाँ पे बता रखा है कि कैसे उसे आप जांचेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो कार्य निर्देश वहाँ दे रखा है अगर वो नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, वो यहाँ पे दे रखा है। और पीपीज कौन सी यूज़ करनी है इसमें हमें, तो दस्ताने जैसे पहनकर कार्य करें, यहाँ पे पीपीज बता रखी हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी पहनते हैं ऑपरेटर वो चीज़ बता रखी है। तो इसे में हम पढ़ के देखते हैं जल्दी जल्दी से कि क्या चीज़ इसमें लिखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपकरण पहनकर ही मशीन चलाएं, ये पहला पॉइंट है। नोट है इसमें कि दस्ताने पहनकर कार्य करें, दस्ताने पहनकर ही कार्य करना है। कैसे हम जांचेंगे इस चीज़ को, विजुअली हमें देख के पता लग जाएगा दस्ताने पहने नहीं पहने, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर दस्ताने नहीं पहनेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो पीपीज में क्या आ जाएगा, दस्ताने पहनकर कार्य करें, दस्ताने इसमें हमें पहनने हैं। यहाँ पे फिर सेकंड हमारा पॉइंट आता है, सबसे पहले ऑपरेटर अपनी मशीन की सफाई करे। तो सफाई करनी है, कैसे करनी है, दस्ताने पहनकर सफाई करनी है। कैसे पता लगेगा, विजुअली पता लग जाएगा, नहीं पहनेगा तो क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगी। इसी तरीके से ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि अब नीचे एक पॉइंट मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, जब कभी भी पार्ट सेटिंग, पावर कट, मशीन ब्रेकडाउन हो या इलेक्ट्रोड में चेंज हो, उसको तुरंत बाद क्या करना है हमें, FPA कराना, क्वालिटी इंस्पेक्टर को दे के, ठीक है, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल कराना है उसका, और अंतिम पार्ट का लास्ट पार्ट अप्रूवल भी क्वालिटी इंस्पेक्टर को दे के कराना है, ठीक है। इसमें नोट लिखा हो गया है कि सीक्वेंस को बाईपास ना करें, जो सिस्टम बनाया गया है ना ऐसे ही काम करना है, सीक्वेंस को बाईपास ना करें, ठीक है। विजुअली इसे हमें मेंटेन करना है, खुद से मेंटेन करना है, विजुअली फिजिकली आ सकता है यहाँ पे। और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर हम वो बाईपास कर देंगे, तो पार्ट रिजेक्ट हो सकता है हमारा, ठीक है। तो पीपीज में यहाँ पे आ गया कि निर्देशों का पालन करना है हमको, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्टेप्स हमें दे रखे हैं, ये सभी स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। ऑपरेटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, लास्ट में यहाँ पे दिया गया है कि शिफ्ट के अंत में मशीन एवं टूल की सफाई अवश्य करें।
जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, फिर नोट में दस्ताने पहनकर सफाई करें, विजुअली हमें पता लग जाएगा और दुर्घटना हो सकती है अगर दस्ताने नहीं पहनेंगे, और पीपीज में हमें दस्तानों का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से ही हमारे नॉर्मल जो हमारे दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पे लिखे हुए थे। अब नीचे की तरफ चलते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो ये क्वालिटी पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है, ये क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी के चेक पॉइंट्स हैं जो कि हमें चेक करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी तरफ दे रखे हैं प्रोसेस की कंडीशन, मतलब कि प्रोसेस के पैरामीटर्स दे रखे हैं। तो इसमें हमारे जैसे कंट्रोल प्लान में हमारे प्रोडक्ट और प्रोसेस के दोनों पैरामीटर होते हैं ना, तो उसी तरीके से हमारे एसओपीज में भी होते हैं। तो मास्टर डॉक्यूमेंट हमारा कंट्रोल प्लान ही होता है, तो उसी के बेसिस पे हम इसे बनाते हैं। तो क्वालिटी पॉइंट में यहाँ क्या क्या दे रखा है कि अपियरेंस में हमें क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड है कि स्पैटर ना हो, मटेरियल में बर ना हो, ठीक है, थ्रेड डैमेज ना हो, नट पोजीशन मिसमैच ना हो, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, विजुअली करेंगे और टीपीजी से चेक करेंगे, थ्रेड प्लग गेज से। फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, एफपीए दो पार्ट का करना है, फिर बीच में जो जो इंटरवल होंगे उसमें एक एक पार्ट चेक करना है, और लास्ट पार्ट अप्रूवल में भी दो पार्ट चेक करवाने हैं, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्यूए इंजीनियर चेक करेगा। कंट्रोल मेथड क्या है, कैसे हम इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, हम पीसीसीएस भर रहे हैं, मतलब कि प्रोसेस कंट्रोल चेक शीट को हम भर रहे हैं, ठीक है, उससे हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें सारा हम डाटा नोट करते हैं। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट हो गया नंबर ऑफ नट कितने होने चाहिए, कैसे चेक करेंगे, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हर चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। और अगर यहाँ पे हम प्रोसेस की कंडीशंस को देखें, प्रोसेस के पैरामीटर में देखें, तो मशीन में जैसे एयर प्रेशर कितना होना चाहिए, उसके लिए चेकिंग मेथड प्रेशर गेज है, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, एफपीए एक बार करना है, बीच बीच में फिर इंटरवल में एक एक बार और चेक करना है, लास्ट दो पीसीज में चेक करना है। तो जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह डिफाइन करी गई है वो हमें फॉलो करनी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पे ऑपरेटर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रोडक्शन इंचार्ज हो सकता है, ठीक है, उसके कंट्रोल मेथड क्या है वो भी चेक शीट में भरता है। तो इस तरीके से बेल टाइम कितना होना चाहिए, होल्ड टाइम कितना होना चाहिए, स्क्वीज टाइम कितना होना चाहिए, कैसे चेक करेंगे, डिस्प्ले में चेक हो जाता है हमसे, ठीक है, और उसकी रीडिंग भरेंगे हर एक बार, ओके। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी दे रखी है उसके हिसाब से रीडिंग भरेंगे, अपना कंट्रोल मेथड के अकॉर्डिंग प्रोसेस कंट्रोल चेक शीट भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओपीएस का जो मेन कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। नीचे की तरफ थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रिवीजन के लिए कॉलम दे रखा है। अगर कोई रिवीजन होता है हमारे ओपीएस में, अगर कोई चेंज आता है एसओपी में, ठीक है, तो यहाँ पे रिवीजन में डिफाइन करेंगे कि 01 रिवीजन हो गया और क्या क्या हमने उसमें चेंज किया है, वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे अप्रूव्ड बाय किसने अप्रूव किया है, चेक किसने किया है, मेड बाय या प्रिपेयर्ड बाय किसने प्रिपेयर किया है, वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ एक चीज़ और दे रखी है इसमें लास्ट, ये ट्रेनिंग का एक कॉलम दे रखा है। ट्रेनिंग के कॉलम का मतलब है यहाँ पे कि इस एसओपी की ट्रेनिंग किस किस ऑपरेटर को दी गई है, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसके सिग्नेचर यहाँ पे ले लिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये ओपीएस बना हुआ है, ये एसओपी बनी हुई है। इस तरीके से और भी डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं, ये फॉर्मेट हमारा A3 में आएगा, ठीक है, A3 शीट में, लैंडस्केप में आएगा। कई फॉर्मेट हो सकते हैं, A4 में ही आ जाएं, पोर्ट्रेट में आ जाएं, लैंडस्केप में आ जाएं, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो फॉर्मेट बना रखा है। तो इस तरीके से हमें जानकारी मिलती है हमारे एसओपी में, इस तरीके से हमारे प्रोडक्शन लाइन की एसओपीज़ वगैरह बनती हैं। एक मैं एसओपी और दिखाता हूँ आपको, लेबोरेटरी में जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना है तो किस तरीके से एसओपी उसकी बनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेफरेंस के लिए एसओपी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि माइक्रोमीटर जो है ना उसे कैसे यूज़ करना है, उसके लिए एक एसओपी जैसे बना दी। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एक्सटर्नल माइक्रोमीटर है, उसमें डायग्राम हो गया एक्सटर्नल माइक्रोमीटर का, क्या क्या चीज़ है उसकी जानकारी के लिए, ताकि कोई भी नया बंदा आए तो उसे पूरी जानकारी हो जाए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। तो इस तरीके से एसओपी हमने बना रखी है इसकी, ठीक है, तो हमें कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है, इसमें इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, हर चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। और साथ ही में नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि किस तरीके से चेक करनी है, रीडिंग किस तरीके से आपको पता लगेगी। तो इसी तरीके से अगर हमें कोई माइक्रोस्ट्रक्चर चेक करना है लैब में, ठीक है, स्पेक्ट्रो टेस्ट करना है या फिर केमिकल एनालिसिस कुछ भी करना है, तो उस हर चीज़ का हमने एसओपी बना रखी होती है, एक वर्क इंस्ट्रक्शन बना रखी होती है, ताकि कोई भी नया बंदा आए तो उस वर्क इंस्ट्रक्शन को पढ़ के अच्छे से उस टेस्ट को, उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। तो इस तरीके से एसओपी बनी हुई है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे वही प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, किसने बनाए, किसने इशू करी, वो सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो फॉर्मेट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं अपने अकॉर्डिंग बना लेती हैं। तो इस तरीके से कुछ एसओपीज हमने देखी इसमें, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में क्या डाटा होता है, उसमें क्या कंटेंट होता है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमें जाना कि किस तरीके से SOPs बनती हैं, किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, क्या क्या SOPs की एप्लीकेशंस होती हैं, क्या क्या हमारे एडवांटेजेस हमको मिलते हैं SOPs के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।